अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूं और साथ ही एक बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। चिकन ब्रेड बनाना ना बहुत ही आसान है। बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड हम घर में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर डो की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2 टीस्पून भर के मैंने ईस्ट लिया है। 3 टीस्पून भर के मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। वार्म मिल्क मैंने ऐड किया है इसमें। दूध को ना हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। इसमें 1 कप भर के मैंने पानी भी ऐड किया था। सबको ना मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। मिनट के बाद देखिए ईस्ट अच्छे से राइज हो गया है। इसका मतलब कि हमारी डो ना एकदम परफेक्ट बनेगी। इसकी फुल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ना बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। इन सबको डाल के ना मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद 3 से 4 कप भर के ना मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। तो हमें इतना ऐड करना है जब तक कि ना ये परफेक्ट डो में नहीं आ जाता। घर पे ही ना हम आसानी से ब्रेड, पिज्जा ये सब चीजें बना सकते हैं। मैंने ना इसमें ऑयल डालना भूल गई थी, तब मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने तो इसमें ऑयल डाला ही नहीं। ऑयल डाल के फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और फिर मिक्स करके मैंने इसे ना माइक्रोवेव में रख दिया था। चाहे कितना भी परफेक्ट काम करने की कोशिश करे पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर टाइम से ना मैं प्लान कर रही थी कि मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं और हम सब लोग मिलके ना साथ में अच्छे से डिनर करें। वही चीजें बनाऊंगी जो मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को और बच्चों को पसंद है। अपनी फैमिली को खुश करने के लिए ये जरूरी नहीं कि किसी का बर्थडे हो या कोई ओकेशन पर ही ना हम अच्छा कुछ बनाए, डिनर अरेंज करे। ना घर में एक अच्छा सा डिनर बना के हम अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम भी उनके साथ स्पेंड हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इससे ना घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। डेजर्ट में मैं बनाने वाली हूँ ट्राइफल। बहुत ही मजे का और इजी डेजर्ट है और ये बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपके घर में कोई दावत हो या कोई गेस्ट आपके घर आए तब आप ये जरूर ट्राई करिएगा, बहुत मजे का बनता है। साइड मैंने कस्टर्ड को भी रेडी कर दिया है और कस्टर्ड ना थोड़ा ठीक होना चाहिए। साइड मैंने जेली रेडी की है। जेली ना हर बार मेरे से बन ही नहीं पाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बनाऊँ पर वो ना बन ही नहीं पाती है सही से। 2 कपकेक मैंने लिए है, ये बनाना फ्लेवर के कपकेक है। चाहे तो कोई भी फ्लेवर के कपकेक यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी लेयर लगा रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर मैंने कस्टर्ड की लगाई है, सेकंड लेयर ना मैं केक की लगाऊंगी। केक को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है और इस तरह से ना उसे सेट कर दिया है। इसके ऊपर ना मैं कस्टर्ड लगाऊंगी। सबसे जो लास्ट है ना मैं इस पे जेली ऐड करूंगी। बहुत ही आसान सा झटपट सा ये ट्राइफल बन के रेडी हो जाता है। बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आता है। इसे ना मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दूंगी, तब तक के लिए अच्छे से सेट भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर चिकन ब्रेड की फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसे बनाना भी बहुत इजी है। 50 ग्राम का मैंने चिकन खीमा लिया है, 1 टीस्पून क्रश की हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर दिया था। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद जो चॉप की हुई प्याज है वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज डाल के ना हमें इसे अच्छे से भूनना है। प्याज जब अच्छे से भून जाए तब इसके अंदर ना हम चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स डालने करेंगे। के बाद ना हम इसे अच्छे से भूनेंगे। जब ये थोड़ा सा अच्छे से भून जाए इसके बाद ना हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद भी ना हमें इसे अच्छे से भूनना है। वैसे भी चिकन का खीमा ना बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसके बाद 1/2 कप भर के हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसे इतना भूनना है जब तक कि मैदे के अंदर का ना कच्चापन खत्म नहीं होता। के बाद 1 टीस्पून भर के हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के ना टमाटो केचप ऐड करेंगे और इन सबको डाल के ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। रेसिपी ना बहुत ही आसान है, घर पे ही ना हम बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बना सकते हैं। के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। दूध डाल के ना हम इसे अच्छे से मिक्स करना है और दूध डाल के ना 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। इसकी जो ग्रेवी है वो एकदम थिक हो जाती है बिल्कुल। इसके बाद ना हम इसमें थोड़ा सा चीज ऐड करेंगे। डालने से ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ्रेश कोरिएंडर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। इन सबको डाल के ना हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की जो फ्लेम है वो हमें एकदम स्लो फ्लेम पे इसे बनाना है। इस भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है।
5 से 10 मिनट के बाद इसे ना हम अच्छे से भूनेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। काफी टाइम से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना डाइट स्टार्ट करूँ, पर डाइट ना मुझसे हो ही नहीं पाती है। जब भी मैं डाइट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो बाहर वीकेंड में हम लोग जाते हैं तो मैं कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो मैं ना घर पे कुछ बना लेती हूँ। सर ना वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और खासकर ना डिलीवरी के बाद का जो वेट रहता है ये जल्दी जाता नहीं है। ना कि डिलीवरी के बाद ना मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पहले मेरा इतना वेट नहीं था। कोशिश तो करती हूँ वेट लॉस करने की, 1 से 2 किलो मैं कम भी कर लेती हूँ, पर अगर हम इस तरह का जब खाते हैं ना तो वेट कहाँ से हमारा कम होगा। बिना हेल्पर के हमें घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, उसमें ही हमारी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि जब भी मैं वर्कआउट करने का सोचती हूँ ना, हो ही नहीं पाता है। काम करते करते ना एकदम एनर्जी ख़त्म हो जाती है। हम लेडीज़ का ना यही मसला होता है, इसी वजह से ना हमारा वेट ही नहीं कम होता। ऐसा भी नहीं है कि हम अपना वेट कम नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, बस इतना है कि हमें थोड़ा सा ना पोषण कंट्रोल करना है, खाने में थोड़ा सा मीठा कम करना है। अगर हम ठान लें कि हमें ये काम करना है तो हम ज़रूर कर सकते हैं, बस एक हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। यहाँ पर डो भी अच्छे से राइज हो गया है, और देखिए कितना परफेक्ट डो बन के रेडी हुआ है। अच्छी सी रेसिपी को फॉलो करके ना हम घर में ही पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ओवन ही हो, सब चीज़ें ना हम बिना ओवन के भी बना सकते हैं। हॉट वगैरह में भी आसानी से बेकिंग हो जाती है। पहले जब मैं ओवन नहीं यूज़ करती थी तो ये सब चीज़ें ना मैं घर में ही बेक करती थी, पॉट में बड़े से। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है पर घर में बेकिंग अच्छे से हो जाती है। मैं यहाँ पर ना ब्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो एक बड़ा सा पेड़ा मैंने लिया है। रोटी का पेड़ा हम जिस तरह लेते हैं ना, उसी तरह हमें एक बड़ा सा पेड़ा लेना है। इसे ना हमें रेक्टेंगल शेप में बेलना है। हम इसे अच्छे से बेल देना, तो इसके साइड ना हम इस तरह से कट करेंगे, और फाइनल देखिए इस तरह ना इसका डिज़ाइन बनता है। इसके सेंटर में ना हम चिकन की फिलिंग भरेंगे। चिकन की फिलिंग को ना हमें इस तरह भरना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ना चीज़ डालेंगे। चीज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, चेदार चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। चीज़ डालने से ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साइड के कॉर्नर को ना हम एक के ऊपर एक इस तरह रखेंगे, साइड बाय साइड ना हम इस तरह इसे रखते जाएंगे, और इसे ना दबा के हमें रखना है ताकि ये खुले नहीं। ये ना एकदम फिश स्टाइल चिकन ब्रेड बन के रेडी होता है। ना ये देखने में अच्छा लगता है, ना खाने में इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही मज़े का होता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। के बाद एक के इस तरह मैं इसे रखते जाऊंगी, और फाइनल देखिए इस तरह जो लास्ट का बचता है ना, मैं इसके कोने इस तरह दबा दूंगी। यहाँ पर फिश स्टाइल ना परफेक्ट ब्रेड बनके हमारी रेडी हो गई है। अब सेकंड ब्रेड भी मैं इसी तरह बना दूंगी। जब एक बार कोई चीज़ आ जाए ना, तो उसे बनाना हमें बहुत ही इजी लगता है। रेसिपी ना मेरी एक बहुत ही ख़ास फ्रेंड ने मुझे बताई थी। लॉकडाउन में ना अक्सर हमारा दिल कहता था कि कोई चटपटा खाए, और उस टाइम ना बेकरीज वगैरह सब बंद होती थी और हम घर में ही सब कुकिंग और बेकिंग करते थे। इसकी कुकिंग ना फर्स्ट टाइम मैंने घर में की थी, और इसे ना मैंने पॉट में बेक किया था, तब भी ये ना एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ था। जब मैं ये ब्रेड बना रही थी ना, तब फातिमा मुझसे आटा मांग रही थी, और मैंने ना उसे दिया नहीं था, तो फातिमा ने आके ना ब्रेड नीचे से तोड़ दिया। और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो ऐसे ही होता ही है, और बच्चों का काम ही होता है इस तरह की हरकतें करना। खासकर ना बच्चे अपने मम्मी का काम बिगाड़ते ही है। हर मम्मी के पास ना हर चीज़ का एक हल ज़रूर होता है, और मैंने भी ना इसे नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया था, और इसे दबा के ना मैंने थोड़ा सा शेप दे दिया था। इसके बाद अंडा ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी, और सिसेमन सीड ना इसके ऊपर इस तरह डालूंगी, तो ये बिल्कुल ना एकदम बाजारों वाला ब्रेड बन के रेडी होता है। इसके ऊपर ना एग योक लगाने से एकदम ब्रेड में शाइन आ जाती है, और सिसेमन सीड से ना इसका एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये दिखता भी है, और खाने में भी ना ये बहुत ही मज़े का है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। ओवन को ना कुछ देर पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो ओवन भी अच्छे से हीट हो गया है। इसके अंदर ना मैं ब्रेड रख दूंगी, और यहाँ पर टाइम सेट कर दूंगी मैं 20 मिनट का। इसका जो टेम्परेचर है मैंने नॉर्मल रखा है। यहाँ पर ट्रैफल भी अच्छे से सेट हो गया, इसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, और इसकी हालत देखिए आप। जेली ना मुझसे बनी नहीं पाई थी सही से इस बार भी, और जेली इतनी पतली हो गई थी कि नीचे जाकर बैठ गई थी। इसका ना लुक ख़राब हो गया था, पर आप इसकी ना सूरत शक्ल पे ना जाए, मगर खाने में इतना मज़े का बना था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हस्बैंड ने ना इसे पूरा चट कर दिया था, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना।
अपनी डेली रूटीन में ये आदत ज़रूर अपना ली है कि मैं साथ साथ ना बर्तन भी वॉश करती हूँ। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, बेकिंग करती हूँ या जो भी काम करती हूँ, जितने भी बर्तन निकलते हैं ना, मैं तो तुरंत उसे वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे बाद में भी धोना है और मुझे ही धोना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ना मैं साथ साथ क्लीनिंग भी करती हूँ। इससे ना हमारा किचन हमेशा ही एकदम नीट और क्लीन रहता है। ब्रेड के साथ साथ ना मैं यहाँ पर एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक रेडी कर रही हूँ। इसका नाम है लेमन मुजीटो ड्रिंक। इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मिक्सर के जार में ना मैंने मिंट ऐड किया है, उसके बाद मैंने ना इसमें हाफ लेमन ऐड किया है, थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड की है। बाद हम इसमें ना आइस क्यूब डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। मैं यहाँ चेक कर रही थी कि ब्रेड सही से बेक हुई या नहीं, तो ब्रेड अच्छे से बेक हो गई थी, पर जो ऊपर का कलर था ना वो आया नहीं था इसका, तो मैंने ऊपर की गैस ऑन कर दी। इससे ना ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। इसे हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन रखना है। ऊपर का गैस अगर हम ज़्यादा ऑन रखते हैं ना तो इसका कलर एकदम डार्क हो जाता है, और डार्क कलर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। इस तरह से ये ब्रेड बन के रेडी हुई है, और इसका कलर भी देखिए अब कितना अच्छा आया है। इस तरह ना घर में ही हम बाजारों जैसी ब्रेड बना सकते हैं। इसे बनाने में ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, एकदम बेसिक चीज़ें इसमें पड़ती है जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक जग में मैंने जो ड्रिंक रेडी किया था वो मैं डाल दूंगी। इसके बाद आप चाहे तो कोई भी ड्रिंक इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि मिरिंडा, लिमका या जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो इसमें लेमन के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं और मिंट के लीव्स भी डाल सकते हैं। और इसे ना एकदम चिल्ड बर्फ डाल के सर्व करिएगा। ये बहुत ही मज़े की ड्रिंक बन के रेडी होती है। और ये रहा आज का हमारा डिनर। बच्चे और हस्बैंड ना डिनर देख के खुश हो गए थे, और मरियम तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी। हर चीज़ ना बच्चों की पसंद की बनी थी। कभी कभी ना हमें इस तरह का भी डिनर करना चाहिए। हमेशा हम तो अपना डेली जो खाना है वो तो खाते ही है, इस तरह का ना कभी डिफरेंट भी करना चाहिए। इससे हमारे खाने में भी चेंज होता है, और हमारे मुँह का भी ना टेस्ट एकदम डेली वही खा खा के ना बोर हो जाते हैं, तो हमारे मुँह का जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से ही हर चीज़ ऑर्डर करके खाए या बाहर से ही ला के खाए, घर में ही हम अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज बना सकते हैं, जिससे ना खा के हमारे घर में हस्बैंड और बच्चे सब खुश भी हो जाते हैं। ये रेसिपी ना मैंने लॉकडाउन में बनाई थी, मैंने लॉकडाउन में इसे बनाना सीखा था। तब मैं ना ओवन का यूज़ नहीं करती थी, और मैंने इसे ना जब फर्स्ट टाइम पॉट में बेक किया था, अभी ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनी थी। और आज जब मैंने इसे ओवन में बेक किया तब ये और भी परफेक्ट बनी है। इसे खा के ना मुझे इंडिया की याद आ गई थी। इंडिया में इस तरह की बेकरी की चीज़ें ना बहुत मिलती थी, और अक्सर हमें आदत थी 5 बजे चाय के साथ कुछ ना कुछ ना इस तरह का स्नैक्स हम खाते थे। पापा लाते थे या भाई लाया करता था, और जब मैं पढ़ने के लिए थी ना तब भी मैं और मेरी फ्रेंड ना बेकरी से जाके इस तरह के ब्रेड पफ वगैरह हम खाते थे लाकर। ये सारी चीज़ें ना मैं ओमान में बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पर भी हर चीज़ मिल जाती है, पर जो टेस्ट इंडिया का है ना वो उस तरह का यहाँ पर टेस्ट नहीं मिलता है। पर खैर हर चीज़ में ना अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हमें, हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ से तो नवाजा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।